नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कल देर रात भी जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कल जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोवैक्सीन का अपना दूसरा डोज लेने गए थे तो उस वक्त उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया था जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, जिसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आपत्ति जताई है। आप पहले तस्वीरों में देखिए अपने स्क्रीन पर कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल से पहला जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम स्थानीय सीएम की भी तस्वीर हो। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह में ही फिर से एक बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। और पहले दूसरा भी ट्वीट देखिए कि किस तरह से उन्होंने लिखा है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए या नया संगत होगा। अब आपको बता दें कि आपने देखा कि किस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे सवाल खड़े किए हैं कि जब वैक्सीन कोई भी लगवाता है तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाता है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर तस्वीर होनी चाहिए राष्ट्रपति की, नहीं तो जो स्थानीय मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर होनी चाहिए। और उन्होंने दूसरे ट्वीट पे ये भी लिखा है कि अगर जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार सरकार पर सवाल भी करते हैं, बेबाक तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और सरकार से लगातार सवाल भी पूछते हैं। हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर कोई भी बात करनी होती है या कोई आग्रह करना होता है तो वो अपने ट्विटर हैंडल से ही करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने ऐसा एक ट्वीट किया है जिससे बिहार की जो सियासत है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की ही सहयोगी दल है जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल है और उस एनडीए में ही उनके बेटे भी जो हैं बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में लगातार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो उनके कामों पर सवाल भी उठाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह मांग की है तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।